हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्ञान और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे ट्रिक दोस्तों कि अगर आपको इंस्टाग्राम में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ रही गाइज कि आप जो है इंस्टाग्राम में लाइव जाना चाह रहे हैं लेकिन आप लाइव नहीं जा पा रहे, जैसे कि आप यहाँ पर जाते हैं लाइव पर और लाइव पर जाने के बाद जैसे कि अगर आप क्लिक करते हैं ऑटोमेटिक इंस्टाग्राम बैक हो रहा है या फिर आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल सकता है। आप लाइव पे जा रहे होंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा होगा, जब आप क्लिक करते हैं तो एट दिस टाइम योर अकाउंट इज नॉट एलिजिबल टू यूज दिस फीचर, ट्राई अगेन लेटर। इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपको देखने को मिल रही है तो इसको कैसे फिक्स करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे ठीक करेंगे, या फिर आप जो है इंस्टाग्राम में कोई भी लाइव आ रहा है उसकी जो लाइव वीडियो को देखना चाह रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम बैक हो रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो इन प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें, एंड तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइज अगर आपको इंस्टाग्राम में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है जैसा कि मैंने आपको बताया है, एट दिस टाइम योर अकाउंट इज नॉट एलिजिबल यूज दिस फीचर ट्राई अगेन लेटर, या फिर आप लाइव नहीं देख पा रहे हैं ऑटोमेटिकल बैक हो रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है? तो गाई ये जो है इंस्टाग्राम में एक बग है, एक गिलिच है, इसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम जो है आपको देखने को मिल रही है इंस्टाग्राम में। अब रही बात इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है क्योंकि इंस्टाग्राम में जो है बग आते रहते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए गाइस कि इंस्टाग्राम में जो है प्ले स्टोर पर जाके और इंस्टाग्राम को यहाँ से आपको अपडेट कर लेना चाहिए। जैसा आप इंस्टाग्राम को अपडेट कर लेते हैं, अपडेट करने के बाद आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपको ये प्रॉब्लम फिर भी देखने को मिलती तो फिर आपको सेकेंड मेथड क्या करना है, फिर आपको जो है अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना है और जाने के बाद ऐप्स पर जाएंगे और ऐप्स में जाने के बाद ऐप मैनेजमेंट और यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम को सर्च कर लेगा। सर्च करने के बाद स्टोरेज यूजेज को क्लियर के जो क्लियर डाटा कर लें एंड आपको इंस्टाग्राम लॉग आउट होएगा। लॉग आउट होने के बाद जब अगेन फिर से आप ओपन करेंगे दोबारा, तो ओपन करने के बाद जब पासवर्ड डाल के तो फिर आपको चेक करना है कि आपकी ये प्रॉब्लम फिक्स होती है नहीं होती है, लाइव जा पाते नहीं जा पाते या फिर लाइव देख पाते नहीं पाते। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो फिर आपको थर्ड मेथड क्या करना है कि आपको इंस्टाग्राम को ओपन करना है और ओपन करने के बाद जो प्रॉब्लम आपको आ रही है उसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको थर्ड मेथड क्या करना है, यहाँ पर थ्री लाइन में क्लिक करके एंड यहाँ पर जाना है नीचे नीचे हेल्प में, इसकी रिपोर्ट करनी है आपको इंस्टाग्राम टीम के पास। तो रिपोर्ट है प्रॉब्लम पर क्लिक करने के बाद रिपोर्ट है प्रॉब्लम इंक्लूड एंड कंटिन्यू और जो प्रॉब्लम आपको आ रही है उसकी स्क्रीनशॉट आप ले लेते हैं, उसके बाद उसको यहाँ से आपको अपलोड कर देना है। एंड अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको क्या लिखना है जो मैं बता रहा हूँ, तो आपको लिखना है डियर इंस्टाग्राम टीम माई इंस्टाग्राम अकाउंट लाइव प्रॉब्लम, फिर आपको लिखना है एनी अदर पर्सन लाइव नॉट प्ले माई इंस्टाग्राम, मतलब कोई भी पर्सन अगर आप लाइव आ रहा है तो उसको आप नहीं देख पा रहे हैं, आप प्ले नहीं कर पा रहे उसकी वीडियो को, या फिर माई लाइव फीचर नॉट वर्किंग, मेरा फीचर है जो वर्क नहीं कर रहा है लाइव का, और इसको आपको सेंड कर देना है। सेंड कर देंगे, सेंड करने के बाद आपको एक से दो ओवर का वेट करना है एंड अपने इंस्टाग्राम को क्या करना है यहाँ से लॉग आउट करेंगे एंड अगेन फिर से आपको जो है लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, एट दिस टाइम टू योर अकाउंट इज नॉट एलिजिबल यूज दिस फीचर ट्राई अगेन लेटर की, और आपको जो है बैक हो रहा ऑटोमेटिकल वो भी देखने को नहीं मिलेगी। तो दोनों प्रॉब्लम को आप ऐसे फिक्स कर सकते हैं, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।